हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो उसकी वजह से गले में दर्द है, तो आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही होगी। तो आज वो मैं धर्मशाला से ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो लेट्स सी, देखते हैं आगे हम कहाँ घूमने जाते हैं आज। तो मैं आपको भी साथ में लेके चलूँ। हेलो गाइज, तो हम जा रहे हैं कांगड़ा, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा आज का आउटफिट बताना कैसा लग रहा है? फिर कांगड़ा फोर्ट देखने गए। दोस्तों जो भी कांगड़ा आएगा एक बार कांगड़ा फोर्ट में विजिट जरूर करना, और फिर मेरे को बताना है कि आपको कांगड़ा फोर्ट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो देख के भी और एक बार विजिट करके भी। तो गाइज फाइनली मैंने रणजीत सिंह द्वार, रणजीत सिंह का गेट एंटर कर लिया है। तो देखते आगे किस किस का मतलब दरवाजा सॉरी गेट आता है। हंसना मत गाइज, ये मत पूछना कि इस दरवाजे का नाम नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था इस दरवाजे का नाम, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कौन सा दरवाजा एंटर किया है। जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी जरूर। दोस्तों आसपास का व्यू इतना सुंदर था, इतना अच्छा लग रहा था ना, शांत से, मतलब शांत तो क्या बट बहुत सुंदर था सब कुछ। दोस्तों यहाँ पे फंक्शन चल रहा था अंदर, बहुत सारे लोग थे, और ये हमने यमुना द्वार मतलब जो भी है मुझे नहीं पता, बट ये यहाँ पे यमुना मेंशन किया था, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। और यहाँ पे अंदर फंक्शन चल रहा था, इन्होंने मैंने पहले मेंशन किया ना कि ये लोग शायद मेंशन किया है या नहीं वीडियो के एंड में है शायद, आई थिंक, बट यहाँ पे ये जो जैन धर्म के लोग हैं इन्होंने झंडा फहराना था यहाँ पे, इस साल में एक बार यहाँ पे झंडा फहराते हैं। इसका मुझे पूरा तो नहीं पता, बट मुझे जो थोड़ा सा पता चला मैंने वो बता दिया आपको। दोस्तों इधर फोर्ट में इतनी सीढ़ियाँ, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गई, बुरी हालत होगी। पता नहीं है राजा महाराजाओं ने भी इतनी सीढ़ियाँ क्यों रखते थे यार उस टाइम पे, इतनी सीढ़ियाँ नीचे से लेके जब से फोर्ट में एंटर किया है तब से सीढ़ियाँ चढ़े जा रही हूँ, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही है सीढ़ियाँ।
फाइनली ख़त्म हुई सीढ़ियाँ और हम पहुँचे ऊपर सबसे टॉप में। और आसपास का नज़ारा इतना सुंदर था, देख के इतना अच्छा लगा ना, फिर ऐसे सीढ़ियाँ तो भूल ही गई ना, इतना सुंदर था। ये तो अच्छा था बट सीढ़ियाँ अभी भी और बाकी है, मैं फिर इससे ऊपर चढ़ गई सीढ़ियाँ, तो चलिए इससे ऊपर चलते हैं अब। चलो सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ और जय माता दी करते जाओ, चलो चलो चलो। तो फाइनली हम पहुँचे गए ऊपर, बस यहाँ से ऊपर कहीं नहीं जाना है, यहीं तक है। और यहाँ से भी सब कुछ मतलब, तो गाइस ये है कांगड़ा फोर्ट का सबसे टॉप वाला फ्लोर, तो क्या ही बोले, बट चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा, सुंदर है। आसपास कभी दिखा देती हूँ साथ में, सबसे सुंदर है, व्यू भी अच्छा है। ये देखो नीचे तो था ही था सुंदर, बट ये टॉप मतलब टॉप पे जो है ना वो जगह बहुत सुंदर है, सब कुछ दिखता है यहाँ से। गाइस तबीयत तो नहीं है ठीक, बट चलो क्या थोड़ा सा घूम लेते हैं फिर जाएंगे रूम पे। गाइस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया है, थक ऑलमोस्ट काफ़ी लगी, नीचे से पैदल थोड़ा सा है बट अच्छा है, काफ़ी सारे लोग हैं वैसे आज यहाँ पे, जो इनका जो जैन धर्म का है कुछ, वो शायद यहाँ पे झंडा फहराने आए हैं, आज नीचे फहराना उन्होंने झंडा, तो वो थोड़ा सा कैप्चर किया है, देखूँगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गर्मी भी काफी है, तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पालमपुर की साइड, देखते हैं अगर कुछ अच्छा देखने को मिला तो आपके साथ भी शेयर करूंगी मैं, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना गोपालपुर में पता नहीं किस चीज़ का मेला था, आई थिंक होली का था या कुछ और था, बट यही मिला देखने को फिलहाल हम जब उधर पहुँचे, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ये। दोस्तों इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक से लोग इधर से उधर हुए जा रहे थे, जगह ही नहीं दे रहे थे हमें जाने के लिए, ऊपर से हम इतने छोटे छोटे। देखो यहाँ पे हम तो मतलब रास्ता नहीं मिला जाने के लिए, इतनी भीड़ थी, तो मैंने जो बार बार से शूट किया तो मैं यहाँ पे बच्चों की वीडियो बना रही थी, बच्चे इतने खुश हुए जा रहे थे कि हमारी वीडियो बन रही है, देखो देखो।
हमने बैठ के थोड़े से पकोड़े खाए आराम से, और क्या खाया था, और शायद जलेबी खाई थी साथ में, वो टेस्टी थे पकोड़े भी और जलेबी भी, सब कुछ अच्छा था। इसके बाद हमने शाम को जाके रेस्टोरेंट में आराम से बैठ के डोसा खाया था, बहुत ही टेस्टी था। तो गाइज़ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको।